पीएसटेट ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਸੀ 7 ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। अच्छा, इस वीडियो विच विशेष की है कि गलत उत्तर की पहचान बहुत आसान हो सकती है। गलत उत्तर पिछले वीडियो विच गल की सी कि लोंग टेल दियां बड़ियां वराइटीज सी मैं डिस्कस कीतियां, उदे विच राइट आंसर ते जल्दी पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसके उल्ट इहदे विच ओ नुकते 8 नंबर तो 13 नंबर तक नुकते वधेरे करके ओ होणगे जिन्हां विच गलत उत्तर की पहचान जल्दी की जा सकती है, आसानी ना की जा सकती। जेकर इन्हें इंटेग्रेटेड रूप में तुसी अप्लाई करते हो तो जल्दी वधेरे मार्क्स ले सकते हो। रूल नंबर 8 या ट्रिक नंबर 8 की है, गैर संबंधित बयान या ऑप्शन की जांच करनी है। की चेक करना है कि अनरिलेटेड स्टेटमेंट्स या ऑप्शन केड़ियां हैं। अनरिलेटेड का की मतलब है आंसर ऑप्शन दैट सीम्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट। चार ऑप्शन साढ़े को है, 1, 2, 3, 4 जेड़ी ऑप्शन एक दूजे तो भिन्न है। याद रखना है पिछे की गल करके आए हाँ, ऑड मैन आउट पहली वीडियो विच गल कीती सी, उन्हां दे लिंक नीचे दिते गए हैं। ऑड मैन आउट विच की सी कि असीं इह लभदे सी कि एक ऑप्शन की नेचर नैगेटिव है, दूसरे की नैगेटिव है, तीसरे की नैगेटिव है, तो एक की पॉजिटिव है, तो यह राइट आंसर होएगा। इत्थे उस तरह नहीं है, थोड़ा जा डिफिकल्ट है। इहदे विच तुसी ओ अनरिलेटेड स्टेटमेंट या ऑप्शन लभदे हाँ, वह एक भी हो सकती है वह डिलीट हो जाती है, दो भी हो सकदियां हन डिलीट हो सकदियां हन। जिवें डिलीट हुंदा है तुसी राइट आंसर दे बिल्कुल करीब पहुँच सकते हाँ। एक्सरसाइज उहदी नाल नाल करदे हाँ, पिछले पेपरां दे विचों भी एक्सरसाइज इहदी है और कुछ क्वेश्चन तुहाडे अभ्यास लई पाए गए हन। सो जे क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं वीडियो उस करके लंबा होया हुंदा है, लेकिन तुसी इस तो परेशान नहीं होना क्योंकि थोड़ी एक्सरसाइज नाल नाल हो रही है। असी देखन लगे हाँ गैर संबंधित कथन जां ऑप्शन केड़े हन। क्वेश्चन साडे कोल है, हू गेव फर्स्ट ऑफ ऑल द थ्योरी ऑफ लर्निंग। मैं हमेशा ये भी एक छोटे छोटे नुकते हैं ना, अगली वीडियो इस पर भी आन गया कि रीड कितना करना है पेपर देने तो पहला वो वीडियो भी देख लेनी चाहिए है, लिंक नीचे दिता गया होएगा। हुन थ्योरी ऑफ लर्निंग नू मैं अंडरलाइन कर लिया। ऑप्शन मेरे को है किल पैत्रिक है, इवान पावलोव है, जॉन डेवी है, थॉर्नडाइक है, ये है। किसने सब तो पहला सीखने का सिद्धांत दिता सी। हुन मैं ऐसी एक्सरसाइज कदी कर रहे हाँ कि 1, 2, 3, 4 ऑप्शन विचों अनरिलेटेड केड़ी है। अनरिलेटेड दो तरह देखी जा सकती है, एक तो आपस विच रिलेटेड नहीं है जो ऑडमैन आउट से कीता ही, दूसरा कि इस जो क्वेश्चन स्टेम विच पूछा गया है उहदे नाल अनरिलेटेड की है। हुन मेरी जिथे तक जानकारी ऑलरेडी मैनू है, मैनू इस दी नॉलेज नहीं है मान लो, तो मैनू ये पता है कि किल पैत्रिक दा लर्निंग थ्योरीज ना कोई संबंध नहीं है। किल पैत्रिक ने प्रोजेक्ट मैथड दिता सी, प्रोजेक्ट मैथड दा फादर है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो ये अनरिलेटेड है, इसनों मैं डिलीट करता हाँ। इवान पावलोव, थॉर्नडाइक, इन्हां दी थ्योरीज लर्निंग मैनू पता है, इसनों मैं टिक करता हाँ, इन टिक करता हाँ। इट मीनस प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट ये हो गई। हुन जॉन डेवी दी लर्निंग थ्योरी कोई नहीं है, ये भी मैनू पता है, सो ये डिलीट हो गए। हुन प्रोबेबिलिटी बचती है कि इहदे ते इहदे विचों राइट आंसर होएगा। मैं दो डिलीट करते जो अनरिलेटेड सी, एक दूजे नाल मैच करते नहीं सी, जान स्टेम नाल मैच नहीं सी करते, दो मीनिंग है। इस तो बाद तुहाडे को नॉलेज है तो रीजनिंग अपलाई करो, पार्शियल नॉलेज है रीजनिंग अपलाई करो, जेकर नॉलेज नहीं है तो इन्हां दोनों चो एक तुहानू लाउणा पएगा। राइट आंसर जे इत्थे गल करनी है तो जे लोएसट लैवल ऑफ लर्निंग पूछा जाए तो उत्तर पावलोव होएगा, क्योंकि इन्होंने अनकंडीशनल सॉरी अनकॉन्शियस रिस्पोंस जो रिफ्लैक्स रिस्पोंस है उन्होंने कंडीशनिंग की गल की है। थॉर्नडाइक ने कॉन्शियस रिस्पोंस की गल की है, दैट इज वाई गागने की हरारकी, शायद गागने की हरारकी चलो पढ़ी होवे, जिहदे 8 स्टेजेस है, सब तो टॉप से प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोएसट लैवल से सिग्नल लर्निंग आती है,
सिग्नल लर्निंग आती है, सिग्नल लर्निंग पावलोव दी ही है जे लोएस्ट लैवल हों, पर इतने पूछा गया पहली थ्यूरी किसने दिती है। पहली थ्यूरी 1898 के करीब थॉर्नडाइक ने दिती सी, 4-5 साल बाद इवान पावलोव ने 1902 या 1903 के करीब ये थ्यूरी दिती है। सो राइट आंसर एक्चुअल च ए है। नेक्स्ट है, एन इंटेलिजेंट एंड हाई अचीवर चाइल्ड रिमेन सैड, मैं अंडरलाइन करांगा मेन चीज जेडी मैनू लगती है, रिमेन सैड ओके फ्रॉम 5 डेज एंड नॉट डूइंग होमवर्क, नॉट डूइंग होमवर्क। एक बुद्धिमान बच्चा, बच्चा बुद्धिमान है, उच्च प्राप्ति वाला है, ठीक, ये उच्च प्राप्ति वाला बच्चा 5 दिनों तो उदास रहता है ते होमवर्क नहीं करता, उसनू की कहा जा सकता है। हुण साडे कोल जिहड़ियां ऑप्शन है, देखो ऑप्शन यह पीएसटेट विच ही आंदियां हन, उत्थों ही चुकियां गईयां हन। ओसीडी दा मेरे ख्याल च 99.9% नू नहीं पता होएगा। ये अबनॉर्मल साइकोलॉजी दी टर्म है, क्लीनिकल साइकोलॉजी दी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऑब्सेसिव हुंदा है, कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तुहाडे माइंड विच, एक स्टिमुलस देखदे हां ते थॉट रिपीट होई जा रहे हन, उस थॉट दे बेस ते कंपल्सिव तुसीं कोई एक्शन करी जाने हैं, कोई वार वार हथ धोई जाता है, सफाई करी जाता है, किसी चीज़ नू रिपीट करी जाता है ना, वो एंगजाइटी डिसऑर्डर का एक पार्ट है। सो ये मैं मीनिंग दसिया है, पर आपां इत्थे लभना है अनरिलेटेड केड़ी है। सो ओसीडी तुहानू मीनिंग भी नहीं पता, तुसी अनरिलेटेड विच इसनू सब तो पहले डिलीट कर सकते हो, क्योंकि इहदी टर्म दा तुहानू मतलब ही नहीं पता। दूसरा रह गया साडे को कि सैड है, बच्चा हाई अचीवर है, जे हाई अचीवर है, इंटेलीजेंट है, तो ये डिसकैलकुलिया गिनती मिनती करन वाली चीज है, इट मीनस गिनती मिनती कर लेंदा होएगा, क्योंकि इंटेलीजेंट नू ता इंटेलीजेंस नू ता मैथमेटिकल फॉर्म विच ते लिंग्विस्टिक दो फॉर्म विच ही मेजर किया जाता है ना। जिहड़ी मल्टीपल इंटेलीजेंस की थ्यूरी है उहदे विच 8 इंटेलीजेंस है, उन्हां चों जे क्वेश्चन आवे ट्रेडिशनल इंटेलीजेंसिस कहड़ियां है, मैथमेटिकल ते लिंग्विस्टिक। हुण ए इस नू वी ऑड अनरिलेटेड उहदे नाल नहीं रिलेट कर रहा, क्योंकि डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन ना करन दी जो डिसएबिलिटी है, मैथमेटिकल डिसएबिलिटी है, उहदे नाल संबंध है, इहदा मैच नहीं कर रहा। हाँ, तो इसका जे मतलब पता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये बच्चा हाई अचीवर हो ही नहीं सकता, जेड़ा टिक के ध्यान ही नहीं ला सकता, अटेंशन ध्यान नहीं लगा सकता, और हाइपर एक्टिव टिक के नहीं बैठ सकता, ये भी डिलीट होंदी है। डिलीट करके असी राइट आंसर ते पहुंच गए हैं, बच्चा डिप्रेसिव है। विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इंक्लूड डायवर्जेंट थिंकिंग एज पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का केड़ा सिद्धांत डायवर्जेंट थिंकिंग या वक्री सोच नू बुद्धि दे हिस्से विच शामिल करता है। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिहड़ी क्रिएटिविटी है किस नाल संबंधित है, डायवर्जेंट थिंकिंग नाल, इंटेलिजेंस किस नाल संबंधित है, असीं कहने हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग नाल। इत्थे क्वेश्चन उल्टा है, एक थ्यूरी है जिसने डायवर्जेंट थिंकिंग नू इंटेलिजेंस का पार्ट बनाया सी। हुण असी अनरिलेटेड सब तो पहले डिलीट करन दी एक्सरसाइज कर रहे हाँ। टू फैक्टर थ्योरी ओके, स्पीयरमैन दी थ्योरी आ गई, स्ट्रक्चर ऑफ इंटलैक्ट गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटलैक्ट, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कोग्नेटिव डेवलपमेंट, सोशियो इत्थे इंटेलिजेंट है ओके, इत्थे सोशियो है, इट मीनस ये मैच ही नहीं करते, इसनों डिलीट कर रहे। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, हुण ये तीन ऑप्शन जेड़े इन्हां नाल रिलेटेड हो सकते, बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, इत्थे प्रोबेबिलिटी तुहाडी वध गई कि 25% जेड़ी है रोंग जेड़ी है नेस ओह डिलीट हो गई। हुण जे अगे तुहानू को जानकारी होवे कि इंटेलिजेंस थ्योरीज दो तरह दियां हुंदियां हन जे, तो तुसीं रीजनिंग नाल अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस थ्योरी जिहड़ी है दो तरह की हुंदी है, फैक्टर थ्योरी और कोगनेटिव थ्योरी। फैक्टर थ्योरी दे विच पहली थ्योरी 1 फैक्टर सी, शायद बिना ने 1 फैक्टर जिसनों जी फैक्टर, इको फैक्टर क्या है, ग्लोबल फैक्टर क्या सी। फिर 2 फैक्टर आ गई स्पीयरमैन की थ्योरी ओके, 7-8 तरह दियां जिहड़ी इंटेलिजेंस प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थर्स्टोन उन्होंने दे दी, और गिलफर्ड ने 100 पहला 20 फैक्टर देते, फिर 150 फैक्टर देते, लेटेस्ट 180 फैक्टर है। सो ये फैक्टर थ्योरीज ने। दूसरी तरफ कोग्नेटिव थ्योरी है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है, गार्डनर की थ्योरी जी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस MI वो जी है कोग्नेटिव थ्योरी है। इट मीनस कि जी प्रोबेबिलिटी है ए वाली ऑप्शन की भी वध रही है कि ए इसका पार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इतने फैक्टर की गल हो रही है, क्योंकि डायवर्जेंट थिंकिंग एक फैक्टर वजो है। सो इतने दो ऑप्शन बच गए, 2 फैक्टर थ्योरी स्ट्रक्चर ऑफ
इंटलैक्ट। जे किसी नूं टू फैक्टर पता है कि जी फैक्टर ते एस फैक्टर है तो उहदे विच कटकार डाइवरजेंट दिखाई नहीं दे रही तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटलैक्ट इनू लैके चल सकते हो। राइट आंसर भी यही है कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटलैक्ट विच डाइवरजेंट थिंकिंग इंटैलीजेंस का एक फैक्टर गिलफर्ड ने समझा सी। सो असी अनरिलेटेड आइटम नू डिलीट कर रहे हैं तो राइट ते पहुँच रहे हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज सपोर्टेड बाय किस द्वारा बाल केंद्रित सिक्ख्या का समर्थन किया गया है। हुण देखो कि इहदे विच चंगी तरह देखो कि डार्विन ये ऑप्शन पी एस टेट विच आई है। डार्विन दा एजुकेशन सिस्टम चाइल्ड सेंटर्ड ऐसा कोई लेना देना नहीं है इसलिए सब तो पहला इसनू डिलीट कर रहे हैं। ठीक, उस तो बाद जे तुहानू ये पता होवे कि स्किनर ये स्टिमुलस रिस्पोंस वाली थ्यूरी है, सॉरी वैसे आर एस थ्यूरी है, इन्हां दी थ्यूरी दा नाम रिस्पोंस स्टिमुलस है ते ऑपरेंट कंडीशनिंग है ते बिहेवियरिस्ट ने ते बिहेवियरिस्ट सारे ही टीचर सेंटर्ड एजुकेशन जिहड़ी है टीचर दे रोल नू ज़्यादा अहमियत दे रही है ते इत्थे चाइल्ड सेंटर्ड है दैट इज़ वाई ए भी रिजेक्ट हो गया। सो साडे को डीवी ते एरिक्सन बचते हैं। मेरे ख्याल च जे एरिक्सन बारे अजिहा कुछ सुनिया नहीं है उहदियां 8 स्टेजेस भरियां हैं लेकिन एजुकेशन ते उन्होंने खास कुछ किया है अजिहा कुछ नहीं सुनिया, ये क्वेश्चन मार्क थोड़ा लग रहा है। और डीवी ने पता है कि पहला लैबोरेटरी स्कूल जिहड़ा है खोल के एक्टिवली एक्टिविटी बेस्ड जिहड़ी है टीचिंग लर्निंग प्रोसैस नूं प्रमोट किया सी, जे इन्ना याद आंदा है ते उहदे बेस ते राइट आंसर तक असीं पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1950 दे दहाके विच एक अध्यापन और मशीन दी खोज कीती सी। हू इन 1950, देखियो इत्थे मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए शामिल कर रहा हाँ क्योंकि ये क्वेश्चन नवी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नवे टेट विच पुछी जा सकती है कि जिहड़ी पहली मशीन है कदों आई 1950 ते हुण मशीन शब्द नूं अंडरलाइन किया है। हुण इहदे विचों स्किनर प्याजे थॉर्नडाइक ब्रूनर है, ये मैनू पता है कि स्किनर बिहेवियरिस्ट है प्याजे कंस्ट्रक्टिविस्ट है थॉर्नडाइक बिहेवियरिस्ट है और ब्रूनर कंस्ट्रक्टिविस्ट है ते मशीन वाला काम का विरोध कंस्ट्रक्टिविज्म ने किया सी क्योंकि उन्होंने कहा सी कि असी मशीन नहीं मीनिंग मेकिंग प्रोसैस है टीचिंग लर्निंग ना कि मशीन जिदा कि स्टिमुलस रिस्पोंस बिहेवियरिज्म ने कहा सी कि लर्निंग स्टिमुलस रिस्पोंस दी है। सो मेरे इस ये मुताबक ये जी अनरिलेटड दो ऑप्शन ने वो मैं ये डिलीट कर देती हूँ। नैचुरली है हुण उत्तर किहदे चो होएगा स्किनर जां थॉर्नडाइक चो होएगा। जे तो कुछ याद आंदा है ठीक है क्योंकि स्किनर ने सब तो पहला प्रोग्रामड लर्निंग ते इस ते काम क्योंकि रीइनफोर्समेंट ते काम कॉन्सीक्वेंसिस जो बच्चा रिस्पोंस दिंदा है उसके कॉन्सीक्वेंसिस की निकलते हैं उस कॉन्सीक्वेंसिस नूं अजे असीं पॉजिटिव बना दिंदे हाँ उन्हूं रिवार्ड दे दिंदे हाँ रीइनफोर्स कर दिंदे हाँ तो बच्चा उसनूं दोहरांदा है। वह मशीन लर्निंग विच जां प्रोग्राम लर्निंग विच फीडबैक ते रीइनफोर्समेंट हुंदी है जिन्नी जानकारी दित्ती है ये नवे क्वेश्चन विच आ सकती है। सो राइट आंसर इत्थे है लेकिन असीं अपनी टेक्नीक नाल दो नूं डिलीट करके दोहां दी प्रोबेबिलिटी बना ली। नंबर 9 रूल है चैक फॉर एक्सट्रीम, ए वर्ड नूं अंडरलाइन करना है, ये एक्सट्रीम इन्फॉर्मेशन है एक्सट्रीम वैल्यूज़ है जां एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ओ हमेशा ही रोंग होन दी संभावना है 99% ओ रोंग हो सकती है। आंसर की है असी करना की है मिडल ऑर्डर ऑप्शंस आर मच बैटर, इट मीनस राइट आंसर जेड़ा मिडल ऑर्डर विच पिया होएगा ये सानू पता लगता है। पंजाबी विच है अत जानकारी अत मुल ते अत बयान दी जांच करनी है, अत वालियां नू पहला डिलीट कर देना है जेकर टाइम सोचण दा है तो उन्हों डिलीट करके ए वाले मिडल ऑर्डर ते ज़्यादा सोचना है। उदी एक्सरसाइज करते हाँ पहला करते हाँ कि अत मुल जिहड़ी वैल्यूज़ है एक्सट्रीम वो केड़ी हो सकती है वो डिजिट च होएगी। ये दस दवां कि नैचुरली है कि जिहड़े इस तरह के क्वेश्चन डिजिट वाले आते हैं उहदे विच इस प्रिंसीपल का बहुत फायदा है तो मैथ्स विच मेरे ख्याल विच 30 चो मिनिमम 15 या 10 टू 15 जिहड़े क्वेश्चन ने वो इस तरह डिजिट वाले होंगे ने जिहड़े कैलकुलेशन हो के आसानी नाल तुहानू पता लग गए उत्तर लग गया। उस तो इलावा तुसीं जिथे रीजनिंग उत्थे अप्लाई करना है जिथे रीजनिंग अप्लाई करनी है तो तुसीं एक्सट्रीम वैल्यू नूं वापरा करके जिहड़ी है ये चीज़ जिहड़ा है ये नुकता अप्लाई कर सकते हैं। इन विच ईयर प्याजे गेव थ्यूरी ऑफ कोगनेटिव डिवेलपमेंट,
ओके ये पंजाबी विच लिखा है उत्तर सेम ने दो अलग अलग बनाए ने ये आपा एक्सरसाइज फॉर एग्जाम्पल सानू कुछ भी नहीं पता कदों थ्योरी आई सी जन्म का पता मौत का पता ये पता है तो फिर भी वो जानकारी भी इतने कम आ हाँ हूँ साडे कोल है इस रूल मुताबक के जिहड़ी एक्सट्रीम वैल्यू है उसनू डिलीट 1906 इतने 2 ते 36 जो डिफरेंस है वह ज़्यादा है लगभग किन्ना है 34 ईयर का है एग्जैक्ट कैलकुलेट करन की जरूरत नहीं है इतने मैं गलत भी हो सकता हाँ जल्दी जल्दी कर रहा हाँ इतने 36 ते 10 46 के विचकार 10 का फर्क है ओके और 46 ते 66 विचकार 20 का फर्क सो एक्सट्रीम वैल्यू केड़ी दिख रही है 1966 के गलत होने की संभावना सब तो ज़्यादा है 1902 गलत होने की संभावना सब तो ज़्यादा है ये सब तो ज़्यादा क्लोज ने जिसनों मिडल ऑर्डर क्या है पिछे कह के आए हैं राइट आंसर ये होएगा जड़ा है जेकर ऑप्शन पाउन वाला 1932 36 इस तरह करके 38 इदा पाँदा है ना सेम ऑर्डर च पा देता है 33 34 35 फिर वो बहुत डिफिकल्ट बन जाता है क्योंकि पीएस टैट विच बाकी स्टेट टैट विच भी इसे तरह होंदा है कि एक ऑप्शन जो राइट रख के बाकी एक दो एक्सट्रीम दे विच ऑप्शन होंदे है तुसीं एक्सट्रीम नूं छड्डना हुण इत्थे सोचना है इहदे विचों एक गैसवर्क लगा सकते हो राइट आंसर वैसे जे 1936 है दूसरी किस्म है कि सेम क्वेश्चन है इत्थे 1926 है ते 36 है 10 साल का फर्क है और 36 ते 38 विच देखियो कि किन्ने 2 साल का फर्क है 10 साल का फर्क है ये 2 साल का फर्क है और 36 ते 44 विच 6 साल का फर्क है हाँ इट मीनस कि इत्थे भी 10 साल का फर्क है ये दूर बन रही है ये भी 6 का फर्क है दूर बन रही है नेड़े नेड़े 36 ते 38 हैं राइट आंसर ये हो सकता है ये तुम अगे गैसवर्क लगा सकते हो इतने पर राइट आंसर तो मैं दस दिता है ता जो नाली नॉलेज भी थोड़ी ए प्लस होंगी रहे हूँ ये पिछले पेपर ने उन्हें चो एक दो क्वेश्चन डिस्कस ज़्यादा भी कहो तो कर सकते हाँ फॉर एग्जाम्पल साढ़े को क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ाँगा हिंदी इंग्लिश का इतने कोई सवाल नहीं है मैं डिस्कस करना है कि यह नुकता जरा अपलाई किमें करना है ये साढ़े को 10 mm है ओके ये 12.5 है 25 है और 50 है हुण तुसी खुद देखो ये विचकार फर्क बहुत ज़्यादा घट है और ये विचकार फर्क वध गया है लगभग 12-13 के करीब फर्क आ गया इत्थे 2-2.5 के करीब फर्क आया और इत्थे टोटल 25 का फर्क आ गया नुकता की है जिहड़ा एक्सट्रीम है ये सब तो परे जा रहा है ये पक्का आंसर द प्रोबेबिलिटी 90% है कि नहीं होएगा ठीक दूसरे नंबर पर किहड़ा जा रहा है प्रोबेबिलिटी है कि नहीं होएगा राइट आंसर इन दोनों विच पिया होया है वैसे राइट आंसर की विच ये दस्या गया है 12.5 उस तो बाद तुसी जे रीजनिंग लगाई हुई है ते तो आंसर फस रहा है मान लो आंसर ये आ रहा है तो भी पता लग सकता मेरी गलत होने की प्रोबेबिलिटी ये है सो 90% एक्सट्रीम असी इस नुकते मुताबक परे कर देना है अच्छा नैक्सट है साढ़े को इतने इंग्लिश हिंदी दी ओ ना देखियो सिर्फ ये देखियो कि डिजिट देखनी है अच्छा एक क्वेश्चन है क्वेश्चन के विच मैथ्स दे ही सीरीज है देखो मैथ्स वाले में से ज़्यादा फायदा है 5500 है 6000 है ये विच फर्क आ गया 6600 आ गया 59 है ये विचों जे जल्दी जल्दी डिलीट करना हो तो क्योंकि एक्सट्रीम तो ए जा रही है इस रोंग आंसर कंसिडर किया जा सकता है क्वेश्चन मार्क लगाया इन रोंग दूसरा जे करना हो इस किया जा मेरे मुताबक जो राइट आंसर इस नुकते मुताबक है इन्होंने दोनों में छुपे होने की संभावना है वैसे राइट आंसर है अगले क्वेश्चन की डिजिट देखो 62 है 73 है 84 है 51 है इन्हों विचों ए दो है 51 ते 84 एक्सट्रीम ते जा रहे हैं इन्हों की प्रोबेबिलिटी रोंग होने की सब तो ज़्यादा है संभावना राइट आंसर वैसे इस तरह के सवालों पर अपलाई घट हों है पॉसीबिलिटी है जो बहुत रेंज की 21 दिसंबर है 22 दिसंबर है 23 दिसंबर है ना लेकिन ज महीने भी नाल मिलते हैं पर इतने अपलाई घट होएगा ये अच्छा ये जल्दी जल्दी देखिए देखो क्वेश्चन तो आप पढ़ ही नहीं रहे असं देख रहे हैं कि ये गलत हो कि हो सकता है 18 है 18-20 बिल्कुल करीब करीब ने ओके इधर 36 है ये 72 दे रोंग होने की संभावना सब तो ज्यादा दूसरा रोंग होने की संभावना 18 की प्रोबेबिलिटी हो सो ये सिर्फ एक ही ज्यादा डिलीट हो रहा है लेकिन राइट आंसर ए है इस विच देखिए तो यह सब तो डिफिकल्ट है क्योंकि लगातार वाली डिजिट्स हैं एक्चुअली क्वेश्चन ही उस तरह का है ना सम ऑफ नंबर रिटन इन ओपोजिट फेसिस ऑफ ए डाइस आर 6 7 8 9 ये
ਇਹ ਮੋਸਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 7 8 9 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਲੀਆਂ 9 ਤੇ 6 ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 7 ਤੇ 8 ਚ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਚੁਅਲ ਉੱਤਰ ਹੈ 7। 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਰੈਂਡਮ, ਔਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਔਰ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼, ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖੀਏ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਡਿਜਿਟਸ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ 16, ਇੱਥੇ 25 ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ 62 ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 5 ਡਿਜਿਟ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 62 ਵਾਲੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 16 25 11 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 100 200 400 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 400 ਔਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 13। ਇਟ ਮੀਨਸ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 200 ਜਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 200 ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਨੁਕਤਾ 100% ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੈ, 2020 ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 5 7 8 10 ਮਾਰਕਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕੋ, ਕਿ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਪਲਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਹੈ, 40 ਹੈ, 30 ਹੈ, 45 ਹੈ, 15 ਔਰ 45 ਇਹਦੇ ਰੋਂਗ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 40 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਘੱਟ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ 35 ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, 35 ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 35 ਹੈ, 350 ਮਿਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 3500 ਕੇ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਹ ਹੈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖਣਾ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ 350 ਹੈ, ਵੈਸੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, 12 ਦੇ 13 16 26 26 ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਰੋਂ 12 ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 16 ਤੇ 13, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਤੇ 13 ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ 12 ਤੇ 13 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-15% ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 90% ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਵੈਸੇ 16 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 12 ਤੇ 13 ਚ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚ ਹੈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਉਸਨੂੰ ਅਲੱਗ ਟ੍ਰਿਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸੀ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਹੂ ਗਿਵਸ ਹਾਈਲੀ ਫ੍ਰੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਸਫਲ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਓਕੇ, ਹਾਈਲੀ, ਓਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਹਾਈਲੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਹਾਈਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਗਾਈਡਡ ਫਰੀਡਮ, ਇਹ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਫਰੀਡਮ ਇਹ ਵੀ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਇਗਾਸਕੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਈਡਡ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਜ਼ੈਡ ਪੀਡੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਫਰੋਮ ਅਦਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7-8 ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ, ਜਿਹਦਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਹ ਟੈਗ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਕੁਲਮ 'ਚ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਾਈਡਡ ਫਰੀਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਗਾਸਤਕੀ ਦੀ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਚੋਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ੋ ਕਲਚਰਲ ਥਿਊਰੀ ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੀ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਵੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਰੂਲ ਹੈ, 3 ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸਬ ਪਾਰਟ ਕਰਕੇ, ਯੂਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਐਮਸੀਕਿਊ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨ ਪੈਨਸਿਲ ਲੈ ਕੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੰਨ ਲਓ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2021 ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੇਪਰ, ਕਿਸ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਓਕੇ, ਹੂ ਡਿਡ ਨਾਟ, ਹੈ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਬਰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲਬਰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਲਬਰਗ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਐਰਿਕਸਨਸ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਸਾਈਕੋਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਐਰਿਕਸਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਰਿਕਸਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸਾਈਕੋਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਮੋਰਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਰਿਕਸਨ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫ੍ਰਾਇਡ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਸਾਈਕੋਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਓਕੇ, ਸੁਲੀਵਾਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਜੇ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਲਬਰਗ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ, ਹਾਂ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਥਿਊਰੀ। ਸੋ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਿਆਜੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਲਬਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਦੋ ਮਿਲ ਗਏ, ਔਰ ਐਰਿਕਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੋਰਲ ਦੀ ਹੈ, ਐਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਕੋਰਬਰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਐਰਿਕਸਨ ਦੀ ਸਾਈਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਰਿਕਸਨ ਨੇ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਲੀਗਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਲਬਰਗ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਲਜ਼ ਤੇ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਲਬਰਗ ਨੇ ਬੋਇਜ਼ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਟਿਮੂਲਸ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਇਹ ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ, ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੋਂਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਹਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੋਂਸ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੋਂਸ ਬੌਂਡ, ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦਾ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੋਂਸ ਬੌਂਡ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੋਂਸ ਬੌਂਡ, ਇੱਥੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੋਂਸ ਬੌਂਡ ਆਰ ਐਸ ਬੌਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਗਿਆ, ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਏ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਲਰਨ ਦਾ ਲੈਸਨ, ਉਤੇਜਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬੌਂਡ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸਟੇਬਲ, ਵੀਕਰ, ਸਟਰੋਂਗਰ, ਅਨਸਟੇਬਲ, ਦਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦਾ ਬੈਟਰ ਐਸ ਆਰ ਬੌਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੇਬਲ, ਅਨਸਟੇਬਲ, ਸਟਰੋਂਗਰ ਤੇ ਵੀਕਰ, ਵੀਕਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਸ ਆਰ ਬੌਂਡ ਇਹ
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਸੈਟਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੌਂਡ ਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੇਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 11ਵਾਂ, ਵੈਸੇ 12ਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਟੂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਵ ਸਿਮਿਲਰ ਮੀਨਿੰਗਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਇੱਥੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਕੇ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ KRS, ਨੌਲੇਜ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੱਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹਾਂ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੋਵੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਂਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 90% ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਰੋਂਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਮਾਈਨਰ ਇਨਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਢੁੱਕਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰੇਜ਼, ਰਿਵਾਰਡ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ, ਇਗਨੋਰਿੰਗ। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰ ਜੋ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਰਿਵਾਰਡ, ਹਾਂ ਰਿਵਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਸੇਮ ਵੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇੰਨੀ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਉਸਤੁਤੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮ, ਉਸਤੁਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਲੇਅਰ ਸੀਕਿੰਗ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਠੋਰਤਾ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਵਾਈਲ ਟੀਚਿੰਗ ਏ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਕਸ ਔਨ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੇਚਰ, ਨਰਚਰ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਨਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਨੈਟਿਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਰਚਰ ਅਤੇ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ ਜੋ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਹੋਏਗਾ। ਲਰਨਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਐਰਰ ਐਂਡ ਸਟੈਂਥਸ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ ਟਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਔਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫੋਰ ਲਰਨਿੰਗ, ਇਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਲਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਔਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫੋਰ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਬਲ ਐਫ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਰਡ ਇੱਦਾਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਫੋਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਈ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਫੋਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਨੂੰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਤੇ ਨੁਕਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ।
इंग्लिश विच ये सहायता मिल जाती है कि स्ट्रैटेजी वो अप्लाई हो जाए। बारवां वैसे तेरवां रूल है क्लू और हिंट आर पॉसिबल इन सेम क्यूज। ये हुंदा है जो जो उत्तर क्वेश्चन पाउण वाले ज़्यादा मेहनत नहीं करते उदो ये पॉसिबल है। क्वेश्चन है साढ़े को विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड बाय नैशनल नॉलेज कमीशन 2020 या 2021 क्वेश्चन आया होया है। हुन है राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन, ज्ञान कमीशन ओके नॉलेज कमीशन जो मैं कर भी रहा सी उदो ही मैं इतों ही एक क्वेश्चन फड़िया होया सी। अच्छा असैस ऑफ नॉलेज, नॉलेज 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 कंसैप्ट, नॉलेज 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 बोरिंग नॉलेज ओके बच की रहा है डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। सो राइट आंसर कई बार इस तरह भी मिल जाता है। हाँ जो थोड़े को उसकी नॉलेज नहीं है फिर ये टेक्निक अपनानियाँ रिपीट कर रहा हमें। कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डिवेलपमेंट इज क्लोजली रिलेटेड विद, ये क्वेश्चन पिछले भी डिस्कस कर रहे हैं आया होया है। देखो ये दो जगह यह क्वेश्चन कम आया है क्लोजली रिलेटेड विद केड़ी थ्योरी ऑफ मॉरल डिवेलपमेंट है ना नैतिकता का सिद्धांत। सो इरिक्सन का नैतिकता कितने भी नहीं आ रही और सुलीवन च नैतिकता कितने भी नहीं आई, सिगमंड फ्राइड च नैतिकता इतने कितने भी नहीं लिखी हुई। पियाजे थ्योरी ऑफ मॉरल डिवेलपमेंट इस तरह है पी एस टेट विच है 21 का 22 का 21 का 20 का मैं याद नहीं है। सो नैतिक नैतिक इतने मिल गए, नैतिक नैतिक करके मैं ये टिक लगाता। राइट आंसर भी यही है। रूल 13 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार तुहानू ऑप्शन इस तरह होंदिया हन तुसी ये देखो कि सिलेबस जिहड़ा तुसी पढ़िया होया है तुहाडे सिलेबस है उस सिलेबस नाल रिलेटड कोई टर्म है और राइट आंसर हो सकता है। सिर्फ इहदे विच ये कहा गया है जे मान लो एक इंटैलीजेंस या जेंडर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इस तरह का उस नाल रिलेटड आंदा है ऑप्शन जिहड़ा है ना जदों नहीं तुहानू मिलता तो प्रोबेबली तुसी कन्फ्यूज हो तो प्रोबेबिलिटी जिहड़ा सिलेबस दे विच वाली ऑप्शन है उसनों एज ए राइट आंसर ऑप्ट करना है। ये सिर्फ इस विच दस्या गया है। सो ये सीरीज हजे चल रही है, इस तो बाद इररैशनल जां बिल्कुल रैंडम गैस हुंदे ने जिहड़े कि पेपर सेटर दियां गलतियां करके बनते हैं। कैलकुलेशन है ए बी सी डी चो सब तो ज़्यादा सही उत्तर केड़ा हुंदा है, दूजे नंबर ते केड़ा उत्तर हुंदा है पी एस टेट विच तुहाडे विच भी। एनालिसिस ये नहीं है कि मैं फॉरन का किया हुई रिसर्च नूं पढ़ के आया, मैं रिसर्चर हाँ, मैं इन पी एच डीज़ करवा चुका हाँ ते मैं इत्थे दे पी एस टेट दे तुहाडे पेपरां दा एनालिसिस करके तुहाडे सामने इत्थे रखांगा कि केड़ी ऑप्शन हर वार जां पिछले सालां विच सब तो ज़्यादा सब तो घट ते सब तो मिडल विच आंदी है। उस बेस ते तुसीं कई वारी तुहाडे को क्योंकि नैगेटिव मार्किंग नहीं है तुसीं आंसर दे सकदे हो, उह वीडियो दा लिंक नीचे दित्ता गया होएगा। तो इलावा ऑल ऑफ दीज नन ऑफ दीज इस तरह दियां फुटप्रिंट ये जिहड़े रैंडम वाले है इस ते वीडियो एक इकट्ठी कढ दांगा उसनूं तुसीं देख सकदे हो। वो कैंडीडेट जिन्हों को बहुत घट है टाइम प्रैपरेशन लई उहदा लई ए लर्न टू एक्चुअलाइज ते जाओगे प्लेलिस्ट च जाओगे टेट बेसिक कोर्स है, सारिया अजिहियां वीडियो उहदे विच शामिल हन कि एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरह करने हैं, दूसरा कि पेपर विच बैठ के केड़ियां रीडिंग स्ट्रैटेजी ते गल्लां दा ध्यान रखना है उसते वीडियो है, तीसरा कि जिहड़े टैग वर्ड ने हमेशा ही राइट जां रोंग हो सकते हैं वह किहड़े हुंदे हन उहनां ते वीडियो अवेलेबल हन। इस तो इलावा जे तुसीं डीएलएड बीएड दे किसी भी डिफिकल्ट टॉपिक नूं फेस कर रहे हो कमेंट बॉक्स कह सकते हो मैं उसनूं सबजैक्टिव रूप विच किस तरह बहुत घट मेहनत दे नाल 60% एनर्जी तुसीं बचा सकते हो जदों तुसीं बीएड दे एग्जाम देने हैं जां दूसरे एग्जाम देने हैं, क्योंकि कुछ लर्निंग स्ट्रैटेजीज हुंदियां हन जिन्हां नाल तुसीं पॉइंट्स नूं डेफिनेट नेशंस नूं अरेंज करके सीख सकते हो। तुसीं मैनूं टॉपिक देना है मैं इत्थे तैयार करके डिस्प्ले करांगा कोई भी सब्जेक्ट का बीएड का डीएलएड का एमएड का यूजीसी नेट का कोई भी होवे तुसीं कमेंट बॉक्स लिखना है मैं वो तुहाडे लई करन दी कोशिश करांगा। हाँ लर्निंग थ्यूरीज ते मैं बहुत ज़्यादा काम किया होया है, लर्निंग थ्यूरी नूं लर्न करन लई समझन लई जे डिमांड करदे हो यूजीसी नैट वगैरह च ज़्यादा जरूरत पैंदी है तां याद कर सकते हो लर्न टू एक्चुअलाइज। डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।